कोलकाता में रिजर्व बैंक के सामने महिलाओं पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए कांग्रेस ने आज हेयर स्ट्रीट थाने का घेराव किया। बता दें कि 22 फरवरी को रिजर्व बैंक के सामने एक गुट ने कुछ महिलाओं पर हमला किया था, उनके साथ बदतमीजी भी की गई थी। कांग्रेस का आरोप है कि महिलाओं पर हमला करने वाले टीएमसी के कार्यकर्ता थे। कांग्रेस ने इस घटना में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। पुलिस ने महिलाओं पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस के ही कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था। स्थानीय 45 नंबर वार्ड के काउंसिलर संतोष पाठक पर भी FIR दर्ज कर दिया था, जिसके चलते उन्हें कोर्ट से जमानत तक लेनी पड़ी थी। पुलिस के इस रवैये के खिलाफ कांग्रेस ने पुलिस को चेतावनी दी थी और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने पर 10 दिनों के बाद हेयर स्ट्रीट थाने का घेराव करने का ऐलान किया था। उस ऐलान के मुताबिक कांग्रेस ने आज प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर और सीनियर कांग्रेस नेता अमिताभ चक्रवर्ती के नेतृत्व में एजरा स्ट्रीट से एक विशाल रैली निकाली। रैली में बड़ी तादाद में कांग्रेस समर्थक शामिल हुए थे, जिनमें महिलाओं की भी बड़ी मौजूदगी थी। कांग्रेस समर्थकों की रैली हेयर स्ट्रीट थाने पहुंची और वहां घोषणा के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने को घेर लिया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर और अमिताभ चक्रवर्ती ने हेयर स्ट्रीट थाने के अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर महिलाओं पर हमला करने वाले TMC कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो पुलिस अधिकारियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस की तरफ से हेयर स्ट्रीट थाने के OC को एक डेपुटेशन भी दिया गया। इस मौके पर शमीम अख्तर ने कहा कि हम लोगों ने हेयर स्ट्रीट थाने को 8 दिनों का वक्त दिया है। अगर इन 8 दिनों में पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो हम लोग DC ऑफिस का घेराव करेंगे और हाईकोर्ट भी जाएंगे। OC हेयर स्ट्रीट और असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा कि इस पर हम लोग और देख रहे हैं कि इस केस को कैसे मजबूती दी जाए और चार्जशीट हम लोग देंगे। हम लोगों का डिमांड ये है कि फिर से इसको इंक्वायरी करवाई जाए और उसे अरेस्ट किया जाए। 354B के तहत जिस औरत के छाती पर अस्तूरा मारा गया, जिसने मारा, हमने कहा कि इतना गंदा केस है, उसके बाद भी आप लोग ये इस तरह का ढुलमुल रवैया, और जो जिसने करवाया, जिसने किया, उसने फेसबुक लाइव में ये कहा कि मैं सिलेंडर हो रहा हूँ और उसके बाद सामने उसका बेल हो जाता है, तो कैसे बेल होता है, ये सोचने वाली बात है। तो उनका कोई माकूल जवाब नहीं है। वो मुझे लग रहा है कि वो पुलिस लिपापोती कर रही है, लेकिन पुलिस पूरी प्रेशर में है। मैं ये कह सकता हूँ पुलिस पूरी प्रेशर में है। कोई टाइम फ्रेम दिए? हम लोगों ने 8 दिन का टाइम दिया है। 8 दिन में अगर नहीं हुआ तो हम लोग हाईकोर्ट भी जाएंगे और DC सेंट्रल DC घेराव करेंगे। क्या लगता है कितनी उम्मीदें हैं आप जो बात किए हैं आपने? आज जो हाल है यहाँ पे, पुलिस पे भरोसा करना बहुत ही मतलब दूर की कड़ी है। पुलिस पे लोग भरोसा नहीं कर सकते, जो पुलिस का रवैया है। कहने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरा फेल है यहाँ। कोई आसामी को ऐड, हम लोग बोले कि जो जो आसामी बच गया उसको ऐड किया जाए, तो अगर ये सब कर ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम लोग इस केस को ऊपर लेके जाएंगे। आपको लग रहा है कि इसके अंदर में पुलिस केस को हल्का करना चाह रही है, कुछ ऐसा कोई सेटिंग मीटिंग? देखिए, अब ये तो लीगल प्रोसीडिंग्स है, अब ये जितना केस आगे बढ़ेगा वो समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। मगर एट प्रेजेंट पुलिस का रोल क्वेश्चनेबल है। पुलिस को चाहिए कि ये केस को ज्यादा सीरियस लिया जाए, और पुलिस ने ये आश्वासन भी दिया कि पुलिस ने ये कहा भी है कि वो बहुत दुर्घटना वाकया है जो कि CCTV से देखा गया, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। अरे जाएंगे पुलिस खाना चेक ही बोलो पुलिस से यही आएंगे। जब हमारे जो महिला जिस तो और जाए बोलते खड़ा के अन्ना बड़ा बजाय ये अगर महिला खड़ा हो जाए कल हमारा क्यों मारा हो जाए बेफार अब तो इसके भाले बजे थे बहुत तो जाएगा तो बड़ा बजाय रहा जाए अब तो भाले तो जाए कुछ बोलते बोलते इस तो बड़ा बजाय वही एक टाला একটার পর একটা এই ব্যস্ত রাস্তার মধ্যে হওয়ার কথা।